आज का ही हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स, चैप्टर 6 है डेसिमल्स। डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने चैप्टर 5 में फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था, तो उसी तरीके से क्या होता है, डेसिमल भी एक तरीके का फ्रैक्शन होता है। बस वहाँ क्या होता है, नीचे जो डिनोमिनेटर में जो है वो 10, 100, 1000, ये सब ये नंबर्स आते हैं। जैसे कि अब 10th है, मतलब हमने सोचा कि 2/10 है, मतलब 10 वाले नंबर को हम डेसिमल करना सीखेंगे। तो 1/10 है, तो ये जो सर्कल देख रहे हो उसको हमने क्या किया, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, अब क्या बोला है, 1/10। तो 1 हम कौन सा वाला पार्ट लेते हैं, 1 जो हम इसमें से लेंगे वो कलर वाला पार्ट लेंगे। क्या लेंगे, कलर वाला पार्ट लेंगे। तो ये 1/10 क्या होगा, इसमें आप देख सकते हो 1/10 इज ऑल्सो रिटन एज 0.1। 0.1 ऐसा हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि नीचे ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है उसको वन वन है वो। अब 10 से हमें क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेसिमल, डेसिमल की जगह यहाँ पे 0 आ जाएगा, 10 वन ज़ा 10। तो इसलिए हम 1/10 को हम डेसिमल 1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ बोला है, जैसे इसने क्या किया, 4 पार्ट्स को उसने कलर कर दिया, तो इन्होंने 10 में से 4 पार्ट, तो 4/10, तो 4/10 को हम क्या, डेसिमल 4 भी लिख सकते हैं। अब जैसे डेसिमल 4 कैसे लिखेंगे, जैसे कि 4/10 है, तो 4 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, 4 10, तो क्या होगा, ये 4 जो है 10 से अच्छे से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हम डेसिमल लेंगे। डेसिमल का मतलब होता है 0, 0 यहाँ पे हम लिखेंगे। अब 10 4 ज़ा 40, इतना आ गया आपको समझ में। जैसे आप देख सकते हो 7/10, तो 7/10 को हम डेसिमल 7 भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से इन सबको भी हम कर सकते हैं, जैसे 2/10 हो गया, 3/10 हो गया, 5/10, मतलब डेसिमल वाले इधर वाले, मतलब डेसिमल के इधर वाले पार्ट को हम 10th बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब डेसिमल फ्रैक्शन विद 100 एज डिनोमिनेटर, अब जिसका डिनोमिनेटर 100 होगा। अब 100 यहाँ पे माना इन्होंने एक बॉक्स लिया है, उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो 1/100 है। तो इन्होंने क्या किया, 1 पार्ट को उन्होंने कलर कर दिया, तो जो पार्ट कलर होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, तो 1/100। अब जब हम 100 को, मतलब 1 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, डेसिमल 0। अब क्या, 10 तो 100 से डिवाइड नहीं होगा, तो एक और 0 रखने के लिए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे 0, तो 100 वन ज़ा 100, तो इसको हम 0.01 लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 12 ले लिया इन्होंने, 12 पार्ट को कलर कर दिया, 12/100 लिखा, तो यहाँ पे नो ये लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे ये 0.12 इसको लिख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, आप हमेशा ये ध्यान रखना, आपको सबसे ज़्यादा इजी तरीका क्या होगा, नीचे जितने 0 हैं, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 2 0 है, तो उसके बाद 1 2 के बाद आप क्या करना, डेसिमल लगा देना। अगर वहीं पे 1/10 है, तो आप क्या करना, 1 नंबर के बाद डेसिमल लगा देना, मतलब जितना 0 होता है आप उसके पहले उतना, मतलब उतने नंबर से पहले आप उसको डेसिमल लगा सकते हो, तो ये आपको ईजी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 1000 वाले पार्ट पे। अब 1000 वाला कैसे होता है, 1000 वाला कैसे, मैंने आपको बताया था, जैसे 13/1000 है, तो यहाँ पे क्या कितना है, 0, 1 2 3, कितने 0 हैं, 3 0 हैं, तो यहाँ पे नंबर्स कितना है, 1 2 1 2। अब थर्ड नंबर पे कुछ नहीं है, तो हम 0 लिख सकते हैं, फिर इसके बाद डेसिमल। जैसे 383/1000, तो उसको डेसिमल में चेंज करना है, तो 1 2 3, तो 383 से पहले एक डेसिमल आ जाएगा। जैसे इसको इसको 10th बोलते हैं, इसको 100 बोलते हैं, इसको 1000 हम बोलते हैं, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसके। जैसे कि बोला, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन,
क्या बोला है, इनको फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना है। तो आप क्या देखोगे, 4.3, तो यहाँ पे कितने नंबर से पहले डेसिमल है, 1 नंबर से। हम इधर वाली साइड को देखेंगे, राइट वाली साइड को, ना कि लेफ्ट वाली साइड को। तो यहाँ पे कितने नंबर से पहले, 1 नंबर से, तो 43/10। अब यहाँ क्या देखोगे, 1 2 2 नंबर से है, तो 5/100। जब हम नीचे जब नंबर्स डिनोमिनेटर में इसको जब चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो जो डेसिमल वाला पार्ट है वो हट जाता है। अब इनको बोला है प्लेस वैल्यू चार्ट पे शो करने को। तो प्लेस वैल्यू चार्ट पे हमने पढ़ा था 1, 10, 100, 1000, 10,000। यहाँ 1 है, तो 1 के राइट साइड में पहले डेसिमल पॉइंट आएगा, फिर उसके बाद 10th, 100th, 1000। ऐसे 1/10, 1/100, 1/1000। तो मैंने आपको ये बताया था सबसे इजी तरीका कि नीचे डिनोमिनेटर में जितने जीरो हों, मतलब राइट साइड में हम उतने नंबर्स के बाद डेसिमल लगाएंगे। जैसे 0.1, तो यहाँ पे 1 से पहले, तो यहाँ पे 0.01, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है, 1 2, यहाँ पे 3 जीरो, 1 2 3। तो दे सकते हो, जैसे कि हम इनको बोल सकते हैं 1/10, 100 और 1000। 10th मतलब डिनोमिनेटर में 10, 100 मतलब डिनोमिनेटर में 100, और 1000 मतलब डिनोमिनेटर में 1000। जैसे इन्होंने लिखा है 1/10 ऑफ 1 टेंथ, क्योंकि 1/10 × 1/10 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 1/100 आ जाएगा, और वहीं पे 1000, तो 1/10 ऑफ 100, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/1000 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब बोला है डेसिमल को एक्सपेंडेड फॉर्म में करने को। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे करेंगे हम, जैसे कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं, 600 + 20 + 4 + 3/10, 2/100 और 1/1000। क्यों, क्योंकि अब 4 के बाद क्या है, ये सब क्या है, डेसिमल वाले नंबर हैं, है ना, तो इसलिए यहाँ पे 3/10, 2/100 और 1/1000 होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्या बोले, राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। आपको डेसिमल्स में इनको चेंज करना है, 3/10 यानी नीचे कितना है, 0 1 0 है, तो 0.3 मतलब 1 नंबर से पहले डेसिमल। यहाँ पे 100 है, 2 नंबर से, 25 से पहले डेसिमल। यहाँ 3 है, तो 1 2 3 2 70 से पहले डेसिमल। इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या बोला है, राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। आपको इन सबका नेम लिखना है, जैसे कि 0.03 है, तो उसको आप क्या लिखोगे, डेसिमल 03। क्यों लिखोगे डेसिमल 03, क्योंकि यहाँ पे बीच में डेसिमल है, फिर 0 है, 3 है। डेसिमल से हम जो भी, मतलब डेसिमल से राइट वाले साइड को हम हमेशा नंबर्स में लिखते हैं, या 03 है, या 46 है, या फिर 95 है, ऐसे। और डेसिमल से पहले, मतलब डेसिमल से लेफ्ट वाले साइड को हम हमेशा जैसे 496 ऐसे करके लिखते हैं। जैसे कि ये हो गया 18.46, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 18.46। अब इसको कैसे लिखेंगे, इनको ऐसे लिखेंगे 327.093। डेसिमल से इधर वाला जो भी नंबर होता है उसको हम अलग अलग लिखते हैं, जैसे 0, 9 और 3। क्वेश्चन एग्जांपल 3, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। अब प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या है, डेसिमल से पहले 3 नंबर्स है, तो 1s, 10s, 100, तो 1s, 10s, 100 में हम देख सकते हैं डेसिमल का पॉइंट है, फिर इसके बाद 1/10, 1/100 और 1/1000। तो यहाँ पे 1s के प्लेस पे क्या है, 2, 10s के प्लेस पे 3 और 100 के प्लेस पे 4। डेसिमल के बाद वाला 10th के प्लेसेस पे 3 है और 100 के प्लेस पे 6 है, ठीक है। अब नेक्स्ट है 980.305, तो 1s के प्लेस पे क्या है, 0, 10s के प्लेस पे 8, 100 के प्लेस पे 9, फिर डेसिमल, फिर 3, 0 और फिर 5।
नेक्स्ट राइट द डेसिमल सोर्स इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल. आपको डेसिमल इनको मतलब नंबर्स में लिखना है, तो कैसे लिखोगे आप? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5480 डेसिमल 793, ऐसे करके आप इसको लिख सकते हो. ये बहुत इजी है, बस आपको सेम इसी वे में इसको साथ में बस लिख देना है. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम. क्या बोला है? राइट दिस इन एक्सपेंडेड फॉर्म, हेंस राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ इट्स डिजिट. आपको क्या बोला, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, उनको प्लेस वैल्यू चार्ट पे भी शो करना है. जैसे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम 500, लिख दिया 20 प्लस 7 प्लस 8 अपॉन 10 3 अपॉन 100 प्लस 5 अपॉन 1000. तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 कितना है 500, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 20, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 7, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या है 8 अपॉन 10, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या है 3 अपॉन 100, और प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या है 5 अपॉन 1000. राइट शॉर्ट फॉर्म, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे आप? 6 अपॉन 10 है, 0 अपॉन 100 है, तो आपको मैंने ये बात हमेशा सिखाई है 30 300 प्लस 70 प्लस 9 प्लस, फिर प्लस के बाद क्या होगा डेसिमल 6 प्लस 0 प्लस 2. इनको कैसे क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये 10 की प्लेस पे है, 10th की प्लेस पे, ये 100 की प्लेस पे, और ये 1000 की प्लेस पे है. तो हम इनको कुछ इस तरीके से लिखेंगे. ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 है. फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग एज अ डेसिमल. आपको क्या करना है, इन सबको डेसिमल में लिखना है. तो मैंने आपको ये बात हमेशा ध्यान मतलब याद दिलाई है कि नीचे जितना जीरो होता है, यहाँ पे कितना है जीरो, एक बार में, तो उतने नंबर से पहले हम डेसिमल लगा देंगे. जैसे यहाँ पे टू टाइम्स में है, तो यहाँ पे नाइन, अब नाइन से पहले कुछ नहीं है तो जीरो, वन टू हो गया नंबर, इससे पहले डेसिमल. नेक्स्ट राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन. आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है. सबसे ईजी तरीका, नंबर से पहले जितने नंबर से पहले डेसिमल हो उतने आप मतलब नीचे जीरो लगा सकते. जैसे यहाँ पे टेन है, यहाँ पे वन टू नंबर से पहले है तो 8/100. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम. राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग. आपको नंबर नेम लिखना है. जैसे ए है, डेसिमल के बाद वाले नंबर को हम कभी भी साथ में नहीं बोलते, अलग अलग बोलते. जैसे कि 0.2, बी हो गया 0.09. जैसे इसमें से मैंने एच वाला ले लिया 670.523. इनको क्योंकि डेसिमल वाले वाले बाद के पार्ट को हम बाद अलग अलग बोलते. जैसे नेक्स्ट राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स. जैसे डेसिमल 27, तो डेसिमल 2 और 7. 50.8, तो 50.8, ऐसे होगा. नेक्स्ट है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट. यह आपको खुद करना है. मैंने आपको पीछे मतलब एक्सरसाइज में करवाया मतलब बताया है कैसे करोगे आप. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. प्लेस वैल्यू सबकी लिखनी है, तो यहाँ पे क्या है 8 क्या है, ये वंस के प्लेस पे है तो 8 वंस. यहाँ पे क्या है, यहाँ डेसिमल 8/1000 है. यहाँ पे क्या है, डेसिमल 8/100 है. नेक्स्ट है, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है आपको. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इज एन एक्सपेंडेड फॉर्म. तो कैसे लिखोगे आप, एच वाला ले लिया 800 प्लस 60 प्लस 5 प्लस 1/10 4/100 और 3/1000. इसको ऐसे लिखना है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म. शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखोगे आप. ए टी है यहाँ पे, ए टी डेसिमल 3, ये 10 के प्लेस पे है, 100 की प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 फिर 7. ये हमारा बुक एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट होता है. आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो.
थैंक यू।